गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अन अकेडमी पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित कपूर है और हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है, जैसे 1857 की क्रांति या इससे पहले जो विद्रोह हुए हैं, और 1857 की क्रांति से किस तरह की यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, भले वो मेंस के हों या फिर आप देखेंगे प्रीलिम्स के। ठीक है, तो यूपीएससी सीएससी AMR 10 हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। AMR 10 ये हमारा रेफरल कोड भी है और इसकी शुरुआत भी हम यहीं से करते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, रेफरल कोड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो जैसे ही ये रेफरल कोड आप डालेंगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये कई जगह मिलेगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो शुरू करने से पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की ऐसे रूपरेखा कैसे उनकी बनी हुई थी और वो किस तरह से समाज को उभारने में, समाज के उत्थान में या पुनर्जागरण में किस तरह का उनका योगदान रहा है। तो ये चीज़ एक लास्ट में आएगा कि ये किस तरह से कारगर रहा है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वो किस तरह से समाज को उभारने में या उनके पुनर्जागरण के लिए किस तरह से उन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, इसके क्या परिणाम हुए, सफलता कितनी मिली हुई थी, और ये असफल हुए तो इनका जो उभार है या आप कह सकते हैं जो इनका क्षेत्र है वो कहाँ तक सीमित था। तो ये मेंस में मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले और फटाफट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करने से पहले कुछ बात हो जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं 2021 के लिए, 2021 के लिए कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे करना है। ओके, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर मेरा कोड ध्यान रखेंगे AMR 10, जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आप समझ रहे हैं यहाँ पे आपको 10% का सीधे सीधे तो फ्लैट जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। ठीक है, डेली लाइव क्लास अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी। कोई भी अगर आपको डाउट पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप सीधे सीधे लाइव क्लास में ही टीचर से रूबरू हो सकते हैं और उनसे अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलेंगे यहाँ पे, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा जो है यहाँ पे कोर्स वो यहाँ पे डिजाइन किया गया है। टीचर सारी जो है आपको जो PDF PPT बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसा कि एग्जाम के सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग कुछ सिलेबस के बाहर भी पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी क्लासेस हो रही है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज ये मैं डेली करा रहा हूँ, आप भी स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं। अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, इसका MCQ मतलब इसके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में। मेरा नाम सर्च करेंगे, अन अकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे यूपीएससी सीएससी अपना जैसे ही गोल सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे तो मेरी सारी क्लासेस लगभग 800-900 वहाँ पे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे ये देखा है, अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर देते तो जितनी भी हमारी लाइव वीडियो या रिकॉर्डेड कोर्सेज जो भी है वो सब कुछ आप देख सकते हैं, अपने डिवाइस में सब कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं आपकी जिसके लिए आपने पे नहीं किया वो भी आप क्लासेस देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डाउनलोड करना है लर्निंग ने गूगल प्ले स्टोर से, और जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे क्या है सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे यूपीएससी सीएससी तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और जैसे मेरा नाम सर्च करेंगे आपको मेरी क्लासेस मिलने लग जाएंगी। मेरा नाम अमित कपूर है, अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, मैं यूपीएससी मेंस यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी में अपीयर हुआ हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जो कि मैं करा रहा हूँ, 2 बजे क्लास होती है, दोपहर 2 बजे क्लास होती है, लगभग 60% मैं पोर्शन कवर करूँगा, तो कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा, बहुत
हाँ ऐसे चिंता भी नहीं करेगा कि मुझे कहाँ से कोर्स कंप्लीट होगा, तो यही सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये यूपीएससी जो है सीएससी, इसमें मैं लगभग 60% क्वेश्चन कवर करूंगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे वो अमित और अन अकेडमी पे जुड़ सकते हैं। 2 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, लगभग 7-8 महीने से मैं अन अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज है। जब आप हमारा कोड यूज करते हुए AMR10 इसको आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे, तो इन टॉप मोस्ट फैकल्टीज से आप गाइड होंगे, इनके सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे, साथ में मेरा भी कोर्स मिलेगा और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है, 15,000 से अधिक आपको यहाँ पे कोर्स मिलेंगे। किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे, जो भी आपको एरिया लग रहा है कि हाँ मुझे इस एरिया में ये पोर्शन खरीदना है या लेना, सब्सक्राइब करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर भी है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी ये भी मिल जाएगा आपको, आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी समरी, सारी चीज़ें जो है आपके जो यूपीएससी के लिए आवश्यक हैं, जो आईएएस बनाने के लिए आवश्यक हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, अन अकेडमी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये फी इसकी जो 12 मंथ की है वो 49,500 है। और जैसे ही मेरा कोड यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे होंगे, 10% का यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो सीधे सीधे जो है वो 44,500 जो है 50 44,550 ये रह जाती है। तो यहाँ पे आपको 10% की यहाँ पे छूट मिल रही है। जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए बता दूं क्या क्या फायदे हैं इसके। लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस जो है ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और 2 साल का यहाँ पे 72,000 है, और इसके बाद में जैसे कोड यूज करेंगे तो 64,800 है, और 3 साल का भी यहाँ पे कोर्स दिया गया है 90,000, और जैसे ही कोड मेरा यूज करेंगे तो आपको 81,000 रुपये करने पड़ेंगे, मतलब 10% छूट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप अगर लेना ही चाह रहे हैं तो 2 साल का लें, क्योंकि 1 साल तैयारी में और 1 साल रिविजन में लग ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस में मिल जाएंगी। एक और है आइकॉनिक, ये आइकॉनिक बहुत ही अच्छा है। 12th जो लोग किया हुआ है, जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, जिनको तैयारी के लिए अभी वक्त है, तो वो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। आपकी प्रॉपर तैयारी होती रहेगी, हर एक मुद्दे से आप जुड़े रह सकते हैं अगर आप आइकॉनिक लेते हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाएगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये खास बात है, जब हम क्लास कर रहे थे ऑफलाइन में तो हमको कोई पर्सनल कोच नहीं मिलता था, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी नहीं कभी हुई है, स्टडी प्लानर तो नहीं मिलता था, आज इसकी क्लास हो रही है, कल उसकी क्लास हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी जो जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, सॉरी, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सबको दूर करते हुए अनअकैडमी पे आइकॉनिक प्लान भी आया हुआ है। ये सारे जो है एक जो शुरू कर रहा है, जिसको शुरुआत की हुई इसने यूपीएससी के लिए, तो ये सारी चीजें उसके लिए आवश्यक होती है, इस वजह ये सारी चीजें दी गई है। आप यकीन माने जब आप इस कोर्स को लेंगे, जब सब्सक्राइब करेंगे मेरा कोड यूज करते हुए AMR10, तो आप देखेंगे कि इतना अच्छा ये महसूस हो रहा, कई स्टूडेंट ने लिया हुआ है, बहुत अच्छा है ये, तो इसको आप ले सकते हैं। इसमें 1 साल का है, 59,500 फी है, और जैसे आप कोड मेरा यूज करेंगे AMR10, 10% के डिस्काउंट के साथ में आपको जो कोर्स मिल जाएगा वो हो जाएगा 62,550। 2 साल का भी कोर्स इसमें दिया गया है, तो ये ले लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। तैयारी रुकी इसका मतलब आप जो है एक स्टेप डाउन, वन स्टेप डाउन, अगर आपकी तैयारी रुकी तो आप वन स्टेप डाउन। इसे लगातार पढ़ते रहिए, 2 साल को सब्सक्राइब करिए, 10% का डिस्काउंट पाना चाहते तो AMR हमारा कोड यूज करेंगे आप लोग। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप जब भी कोर्स लें, हाँ, इंटरेस्ट जगाइए, इसको कोर्स लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, यही उचित समय है। ठीक है, तो अगर कोड मेरा यूज करेंगे तो यहाँ पे ये 1,07,000 का कम हो जाएगा, 96,300 ये फी आपको 2 साल की पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 साल का ले या 3 साल का ले, ये बहुत अच्छे होते हैं, आप हमेशा जो है अपडेट रहेंगे। तो 3 साल या 2 साल का सब्सक्राइब करें आइकॉनिक प्लान को, जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, 12th में, या जो लोग तैयारी करने के इच्छुक हैं। चलो, ये सारी चीजें हैं। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पे 10% डिस्काउंट के साथ में,
कैसे 27,500 फी है, जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो 24,750 फीस जो है ये रह जाती है, तो आपको 10% यहाँ पे छूट मिल रही है। 2 साल का भी ले सकते हैं आप, 40,000 फीस है, और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे 10% की छूट के साथ में, तो ये 36,000 जो है आपको पे करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आप 2 साल का लीजिए, क्योंकि 2 साल की तैयारी आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे कॉम्बैट आया हुआ है जो गेम है, यहाँ पे गेमिफाइड, ये आप देखेंगे यहाँ पे कि 20 दिसंबर से चलने वाला, इसमें आपको क्विज कंपटीशन टाइप का है। तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, 45 मिनट है, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 13 कॉम्बैट रहेंगे यहाँ पे, 6 सेक्शन रिलेटिव एक्सप्लोरिंग। हाँ, तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारा एक नया आया हुआ है। इसका प्राइस भी है, इसका प्राइस है, फर्स्ट प्राइस को एक लैपटॉप मिलेगा, सेकेंड वाले को मिनी आईपैड मिलेगा यहाँ पे, और थर्ड वाले को यहाँ पे क्या है, ईयरफोन, और जो टॉप 100 रैंकर्स रहेंगे उनको 1,000 रुपी अमेजन जो है ये वाउचर मिलेगा, जिसके आप खरीदारी कर सकते हैं इससे जाके। ठीक है, 6 मंथ का एक नया यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो लोग 2021 में पीटी देना चाहते हैं, इच्छुक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे, एक अच्छा अवसर है। वो क्या करेंगे, इसको भुनाएंगे इस अवसर को, और ये चैंपियन बैच आया हुआ है, जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। कंप्लीट जीएस सिलेबस प्रीलिम्स का आपको कराया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, लाइव क्लास जो है 500 आवर रहेंगे, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, और टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो है आपको गाइड करेंगी। 15 दिसंबर से इनसे कल से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर सच में आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप सच में आपको लग रहा है कि आप में वो जज्बा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करें और लगातार आप पढ़ते रहिए। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक चार्ट बना के दे दिया जाएगा कि ये चीजें आपको कराई जाएंगी, तो आप भी अवेयर रहेंगे और टीचर भी आपको वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, इंडिया टॉप मोस्ट एजुकेटर जो है आपको वो गाइड करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन करिए, ये बहुत ही कैसा है, फायदेमंद है। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद है ये, 14 दिसंबर से एक स्टार्ट हुआ है बैच, मिशन 21 बाइलिंगुअल है ये, लक्ष्य 21 हिंदी रहेगा, एक्सपेडिशन जो है ये इंग्लिश में रहेगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस मेरा कोड याद रखेंगे AMR10। और भाई इसको याद ही नहीं रखेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी इसी से करेंगे। ओके, तो ये कोड आप ध्यान रखेंगे। ओके, 2022 के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 2022 के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, 2023 के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस बनना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। हमारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, हमारी क्लासेस जो है आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ये हम स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, देख ले किस तरह से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सब्सक्राइब करें प्लीज मेरा रेफरल कोड याद ये यूज करें। ठीक है, चलो, हाँ, मैं कितना पोर्शन लूंगा, माई कोर्सेस ऑन अनअकैडमी पे क्या क्या रहेंगे, पब्लिक एडमिन रहेगा जो कि मैं अभी ले रहा हूँ, यूट्यूब पे हमारी 2 बजे क्लासेस की चल रही है, हिस्ट्री की क्लासेस में जिसमें अभी पढ़ाई रहा हूँ आप लोगों को, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी गवर्नेंस, इंटरनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, IR, और एथिक्स। ठीक है, और एथिक्स ये मैं 7 जनवरी से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग रेफरल कोड इसको 10% डिस्काउंट के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए इसको यूज करें और बढ़िया से तैयारी करें। अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ से शुरू कर देना चाहिए, क्लास कोर्सेस ले लेने चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अनअकैडमी पे, और ये कोड यूज करेंगे 10% आपको छूट मिल जाएगी। मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा, मैं एक पर्सनल कोच की तरह आपके सामने हमेशा काम करता रहूंगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन किस तरह से रूपरेखा बनी हुई थी, तो इस पे हम लोग बात कर लेंगे अभी, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। हमने विद्रोह देख लिए थे, सभी विद्रोह लगभग लगभग हमने देख लिए हुए थे, और हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे कि किस तरह से नव चेतना का विकास हुआ था। तो हमने ये देख लिया होता कि चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई है, सामाजिक आधार इसका क्या है, बौद्धिक आधार क्या है, सामाजिक सुधार किस तरह से प्रारंभ हुए, स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास क्या किए गए,
और सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता, यहाँ से पीटी फोकस रहेगा। आ गेट 10% डिस्काउंट, कोड याद रखेंगे AMR10। तो ये हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय से लेके बाल ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, धर्म ये जितने भी हैं वहाँ पे केरल में जो भी आंदोलन हुए, तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको पीटी में पूछी जाती है। ठीक है, चलो हमने कल डिस्कस किया हुआ था चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इसका प्रसार हुआ है, तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हुई थी चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई है। और इसके बाद में ये सारी चीजें हमने देख ली हुई थी कि स्त्रियों की दशा में अब किस तरह से सुधार हुए, हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। हम आप आज यहाँ से बात करेंगे कि सामाजिक इसका आधार क्या रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत में जो सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए, उनका मुख्य सामाजिक आधार क्या है, उभरता हुआ मध्य वर्ग। जब भी कभी आपको कोई आंदोलन की आहट लगे तो आप हमेशा ये समझना कि वहां पे कोई मध्य वर्ग, शिक्षित मध्य वर्ग ही सामने आया होगा, बाकी ना तो अमीर वर्ग आता है ना ही गरीब वर्ग सामने आता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे भी एक सामाजिक जो आधार प्रदान किया जा रहा है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए, तो वहां पे क्या है, इसके लिए ये मध्य वर्ग ही जिम्मेदार होता है। मध्य वर्ग हमेशा जिम्मेदार होता है। वही जितने भी आंदोलन है, सारे के सारे आंदोलन जो है वो शिक्षित मध्य वर्ग द्वारा ही चलाए जाते हैं, कि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए। बौद्धिक वर्ग में मुख्य था यूरोप का मध्य वर्ग, मानवतावाद एवं विज्ञानवाद के प्रसार से नवीन चेतना। तो यहाँ पे एक चीज नई है उभरी, वो क्या थी, बौद्धिक वर्ग के जो मुख्य बात अगर है तो वो कहाँ से उभरा, बौद्धिक वर्ग एक कहाँ कहाँ का बौद्धिक वर्ग, यूरोप का बौद्धिक वर्ग का मध्य वर्ग, यूरोप का वो मध्य वर्ग था जो कि बौद्धिक वर्ग था, यूरोप का मध्य वर्ग मानवतावाद एवं विज्ञानवाद के प्रसार से नवीन चेतना पैदा करता है और मध्यकालीन मूल्यों और प्रथाओं को वर्तमान समय हित प्रासंगिक बनाने की तीव्र इच्छा जो है वो जाहिर करता है। ठीक है, तो वो चाहता है कि अब जो है जो रीतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, अब मानवतावाद, विज्ञानवाद और तर्कवाद के आधार पर समाज के जो मूल्य, जो मध्यकालीन मूल्य, जो प्रथाएं हैं, उनको क्या है, वर्तमान समय के अकॉर्डिंग जो है वो उसी के अकॉर्डिंग उनको ढाला जाए, उनको बनाया जाए। ठीक है, तो ये बातें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार की प्रक्रिया और औद्योगिक या व्यापारी वर्ग शामिल नहीं थे इसमें, तो ये खास ध्यान देना। हमने आपको बता भी दिया हुआ था कि अमीर लोग जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है। कोई भी आंदोलन आपके पास में आएगा या सुनने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आपको अपना अपनी तरफ से ये मन नहीं बनाना कि यहाँ हर एक लोग शामिल हो सकता है, सिर्फ एक ही जो है वो नेतृत्व करेगा, वो कौन सा रहेगा, शिक्षित मध्य वर्ग। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि औद्योगिक और व्यापारी वर्ग इसमें शामिल नहीं था। इसमें शामिल होने वाले सरकारी कार्यालय में कार्यरत वर्ग कैसा था, मिडिल क्लास का, हमेशा मिडिल क्लास का सामने आएगा। तो यहाँ पे सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाला व्यक्ति, शिक्षक, पत्रकार, वकील और चिकित्सक थे, और ये सारे कैसे हैं, ये सारे मध्यवर्गीय परिवार से रिश्ता और नाता रखते हैं। कोई भी आप देखेंगे कोई बड़ा वर्ग जो है बहुत ही, कोई बड़ा वर्ग, कोई राजा महाराजा, व्यापारी या औद्योगिक वर्ग यहाँ पे नहीं आया हुआ था। ठीक है, ना ही कोई आप देखेंगे कोई निचले तबके का कोई यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए आया हुआ था इस आंदोलन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को। बौद्धिक आधार कैसे प्रदान हुआ, यहाँ से क्या बौद्धिक आधार था, इससे आंदोलनों को वैचारिक धरातल प्रदान हुआ। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे वैचारिक धरातल वो प्रदान हुआ। धार्मिक सार्वभौमिक मानवतावाद एवं तर्कवाद प्रमुख था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे बौद्धिक आधार मिला हुआ है कि इससे आंदोलनों को वैचारिक धरातल प्रदान हुआ। एक बौद्धिक विचारधारा जन्म ले रही थी, पनप रही थी, इसमें हुआ क्या, धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावाद एवं तर्कवाद प्रमुख थे। तो ये एक नई अवधारणा जो बौद्धिक आधार है वो क्या है, नई अवधारणा पनप रही थी। किस आधार पर, सार्वभौमिकता के आधार पर, मानवतावाद के आधार पर, तर्कवाद के आधार पर, ये बौद्धिक आधार बना रहे हैं। ठीक है, और सामाजिक प्रासंगिकता को तर्कवाद के रूप में यहाँ पे मान्यता मिलती है। ठीक है, तर्कवाद के आधार पर यहाँ पे मान्यता मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया
कि सभी धर्मों में एकता, विश्वास, आस्था, निर्गुण ईश्वर की उपासना आ जाति प्रथा में अविश्वास ही सर्व प्रमुख कारण है। और स्वामी विवेकानंद ने भी धार्मिक विचार अत्यधिक प्रगतिशील एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थे। इन्होंने भी बहुत ज्यादा सामाजिक सुधार पर जोर दिया हुआ था, धार्मिक सुधार पर जोर दिया हुआ था। तो यहाँ पे दो नेता जो चोटी के नेता हैं वो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भाई इन कुरीतियों को क्या है, इन कुरीतियों को तर्क के आधार पर अब बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन एवं उनकी श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि घोषित करना, वैज्ञानिक अन्वेषण और वैज्ञानिक तरीकों को भी चिंतकों ने अपनी विचारधाराओं को पुष्टि करने का आधार बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं था, जो भी जो विचारधाराएं थी उनको वैज्ञानिक आधार पर, तर्क के आधार पर, रिसर्च के आधार पर ये पुष्टि करना कि नहीं हमारी विचारधारा सही है या गलत है। ये सारे जितने भी आप देखेंगे, जो भी आप कह सकते हैं, जो चैलेंज सामने आए, आप ये कह सकते हैं कि जो भी जिस एग्जाम से, जिस परीक्षा से गुजरना था, सारे परीक्षाओं को पास करते हुए उन्होंने अपने विचारों की एक तरह से आगे बढ़ाया हुआ है, अपने विचारों को आगे बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अन्वेषण के आधार पर, वैज्ञानिक तरीके से इन सारे जो है आधार बनाते हुए वो जो है अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें यहाँ पे, तो अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सीय तर्कों द्वारा सिद्ध करने का यह प्रयत्न किया हुआ था कि बाल विवाह जो है वो हानिकारक है। उस टाइम जो है किसी भी फीमेल का जो जो शरीर है वो क्या पूर्णतया विकसित नहीं होता, इससे क्या है जब भी वो माँ बनेगी तो उनको क्या है हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अक्षय कुमार दत्त ने यहाँ पे तर्क के आधार पर, चिकित्सकीय तर्क के आधार पर सिद्ध किया हुआ था कि भाई बाल विवाह हानिकारक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। सामाजिक सुधार देख लो फटाफट। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं थे, सबसे पहली बात धर्म तक सीमित रहे नहीं रहे, उनका प्रभाव धर्म से ज्यादा कैसा था, सामाजिक क्षेत्र पर पड़ा हुआ था। हाँ, भारत के सामाजिक सुधार के प्रारंभिक संगठनों की अगर बात करें तो प्रारंभिक संगठनों में सामाजिक सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इत्यादि प्रमुख थी। तो हम लोग कई सारे यहाँ पे देखेंगे जो प्रारंभ में सामाजिक सुधार से संबंधित संगठन का गठन किया गया था और वो बखूबी सामाजिक सुधार कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कई सारे नाम आपको दिए जाएंगे, इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। सबकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं और सब अपनी अपनी संस्थाओं को लेकर जो है सामाजिक सुधार में लगे हुए थे। तो यहाँ पे ज्योतिबा फुले, यहाँ पे क्या है, ज्योतिबा फुले, श्री गोपाल हरि देशमुख, के टी तेलांग, बी एम मलावारी, डी के कर्वे, इन सबकी देखो अपनी अपनी संस्थाएं हैं। हम लोग इसको जानेंगे। श्री नारायण गुरु और रामास्वामी नायकर, बी आर अंबेडकर इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारंभिक समाज सुधारकों का कार्य किया हुआ था। समाज सुधार अभियान के दो प्रमुख उद्देश्य थे। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार, ओके, और दूसरा है समाज में अस्पृश्यता को दूर करना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, स्त्रियों की दशा में किस तरह से सुधार किया गया है, अस्पृश्यता को किस तरह से दूर किया गया समाज में। तो यही इसका जो है सामाजिक सुधार हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो जितने भी आंदोलन हुए हैं सुधार को लेके, वो सारे सारे धर्म तक ही सीमित नहीं थे। समाज के सामाजिक क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा, समाज के जो कुरीतियां थी समाज में व्याप्त उनको खत्म करने, तो संस्थाओं के उनका संस्थाओं का गठन किया गया कि ये जो है कुरीतियां जो है इस तरह से खत्म की जा सकती हैं। तो जो उद्देश्य हम लोग समझ लेते हैं एक बार, स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास, क्या क्या सुधार के प्रयास हुए, समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत कैसी थी, शोचनीय थी, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी यहाँ पे स्त्रियों की, पुरुषों से नीचे समझा जाता था इनको हमेशा, क्या है। लेकिन आज के हम जमाने में देखेंगे, आज के जो हमारा एरा है, इस टाइम महिलाएं जो है वो जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही, हर एक क्षेत्र में आज उनका बोलबाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषों से नीचे समझा जाना, दूसरा स्त्रियों की अपनी कोई पहचान नहीं थी, स्त्रियों की अपनी कोई पहचान नहीं थी, वो दूसरे के नाम से ही क्या है चला करती थी और उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी।
अपनी पहचान तभी बनाई जा सकती है जब कोई ऐसा कार्य करे जिससे समाज से आगे उठकर जो है आगे कार्य करे, या आप कह सकते हैं कोई ऐसा कार्य करे जिससे समाज को फायदा हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे स्त्रियों की जो पहचान है वो बिल्कुल भी कम थी, आप कह सकते कोई पहचान ही नहीं थी। ऊर्जा एवं योग्यता, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी यहाँ पे बुराइयों की बलि चढ़ गए। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हुआ, जैसे कि और आप ये कह सकते हैं कि उनके पास जो भी योग्यता थी वो सती प्रथा या पर्दा प्रथा या बाल विवाह जैसी कुरीतियों की बलि चढ़ गए थे। जो भी वो कार्य करती थी, जो भी उनकी योग्यता थी, सब क्या है वो कम ही नजर आते थे समाज को। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज में महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक सुधार से पुरुषों पर आश्रित थी। ठीक है, क्या था, आप देखेंगे चाहे हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम चाहे हिंदू औरत हो या मुस्लिम महिलाएं हो, सब क्या थी, सब जो है वो पुरुषों पर ही आश्रित थी। शिक्षा ग्रहण की मनाही थी, कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। तलाक में पुरुष और महिलाओं में बहुत ज्यादा भेदभाव था। महिला अगर तलाक देती तो उसकी मान्यता कम थी, और अगर देखेंगे पुरुष कोई तलाक देता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है सारी चीजें बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो तलाक में पुरुष और महिलाओं में ज्यादा कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा भेदभाव था। बहु पत्नी प्रथा हिंदू और मुसलमान दोनों के समुदाय में प्रचलन में थी। पत्नी एवं मातृत्व को ही ऐसे अधिकार जहां महिलाओं को समाज में थोड़ी बहुत मान्यता जो है वो दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही ऐसे हैं समूह जहाँ पे आप देखेंगे, एक तो पत्नी का जो समूह है या फिर मातृत्व या माता का समूह, ऐसे वर्ग में अगर ये शामिल हैं तो ही इनको थोड़ी सी मान्यता मिल जाती थी समाज में, वरना कोई भी यहाँ पे कोई मान्यता नहीं मिलती थी। समाज में इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं था। गतिविधियां एवं क्रियाकलापों का भी निर्धारण पुरुषों द्वारा किया जाता था। ठीक है, कि वो बाहर अगर जाएगी तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो आप ये क्या सारी सारी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप है, वो पुरुषों द्वारा निर्धारित किए जाते थे, और उसी के अनुसार यहाँ पे स्त्रियां कार्य करती थी, उसी के अनुसार जो स्त्रियां कार्य करती थी। ठीक है, तो ये स्त्रियों की दशा में सुधार इस तरह से, किस तरह से प्रयास किए गए थे, ये सारे जो है यहाँ पर ऐसी स्थितियां थी, और इन्हीं सब स्थितियों को परिस्थितियों को देखते हुए सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं समाज सुधार अभियान, स्वतंत्रता संघर्ष एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक ऐसे कारण जहां महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया हुआ था। तो जैसे ये समाज सुधार आंदोलन चले, एक नई लहर, एक नई कह सकते हैं कि एक नई लहर दौड़ी जहां पे महिलाओं को मान्यता मिली और महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ। फिर चाहे हम 1857 की क्रांति की बात करें या फिर इसके बाद की हम बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, या फिर आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में गांधी जी द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए, उन सब में आप देखेंगे लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाएं ले रही थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाएं ले रही थी। समाज सुधारकों ने घोषित किया कि ऐसा कोई भी समाज सभ्य एवं विकसित नहीं हो सकता जहां महिलाओं से भेदभाव किया जाता हो। भाई अगर आप महिलाओं को मानेंगे ही नहीं, नागरिक ही नहीं मानेंगे, आप उनको भोग की वस्तु समझेंगे, तो क्या है, कोई भी समाज जो है, कोई भी समाज जो है वो सभ्य या विकसित नहीं हो सकता है। तो सबसे आपको क्या करना है, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके पास जो भेदभाव है उनके लिए भेदभाव की नीति हमेशा क्या है, खत्म करना कर देना चाहिए, हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वो जो है अच्छा महसूस करें, हमेशा जो है अपने आप को फ्री महसूस कर सकें। ठीक है, उन्होंने बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि की तीखी आलोचना की कि ये सारे जो है अमान्य है, इनको अमान्य घोषित किया जाए, और ऐसे में आप देखेंगे कई सारे प्रयास किए गए आज, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने कुछ यहाँ पे नियम बनाए थे, वो हम लोग देख लेंगे फटाफट। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। 1829 की बात है जब वो सती प्रथा थी उस पर रोक लगाई गई, और ये किसका, इसके प्रयासों का नतीजा था, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों का नतीजा था कि 1829 में एक कानून पारित किया जाता है, 1829 में एक कानून पारित किया जाता है, और जिसके आधार पर आप देखेंगे यहाँ पे सती प्रथा को क्या है, अवैध बना दिया गया कि अगर आप ऐसी कोई घटना हुई तो उसके लिए कड़ी सजा का
कड़ी सजा का यहाँ पे प्रावधान किया गया। ओके नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं। यह नियम बंगाल में सबसे पहले लागू, इसके अलावा थोड़ा सा जान लो, सबसे पहले लागू हुआ है 1930 में, फिर यह मद्रास एवं बंबई में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 29 में इसका जन्म होता है, 1830 में ये बंगाल के बाहर भी जाता है जो कि मद्रास और बंबई में, और इसके बाद में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जो विधवा विवाह को वैध मानने के लिए बनाया गया हुआ था। तो कई सारे लाडलहोजी के काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कई सारे ऐसे प्रयास किए और बहुत वो व्यथित थे इस चीज को लेके कि कैसे किसी जिंदा स्त्री को जला दिया जाता है, बहुत व्यथित थे। तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को अंत कराने के लिए 1856 में उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, और 1856 में अब जो है विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह नियम लाया गया, अब जो है किसी सती का वो क्या है आप जलाया नहीं जाएगा उसे। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास कर बाल विवाह को रोकने का भी प्रयास किया गया। अब हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट पारित किया गया, और जैसे ही एक्ट पारित किया गया तो यहाँ पे आप देखेंगे लड़का और लड़की के आयु में जो है वो परिवर्तन किया गया कि अगर इनको शादी करनी है तो क्या आयु होनी चाहिए। तो 1930 में शारदा एक्ट इन्हीं के नाम पे, हरविलास शारदा के नाम पे ही शारदा एक्ट पड़ा इसका नाम, और यहाँ पे देखेंगे कि लड़के की जो आयु थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया और लड़की की जो आयु थी विवाह के लिए वो 14 वर्ष कर दी गई। ये कहा गया अगर इससे कम में कोई शादी करता है, कोई विवाह किया जाता है, तो वो क्या है अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने अथक प्रयास किए गए, किस तरह से हमारा समाज क्या है दबा कुचला समाज था, बहुत सारी कुरीतियां यहाँ पे पनप रही थी, कोई समाज सुधार नहीं था। फिर इसके बाद में पुनर्जागरण का काल आता है, और पुनर्जागरण के काल के बाद आप देखेंगे समाज बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है, समाज में जो कुरीतियां फैली थी उनका विनाश होता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, और एक नए समाज का उदय होता है, एक नए समाज का उदय होता है। तो हम लोग यही देखेंगे कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जिनके प्रयास से सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वो किए गए हैं, किस तरह से उन्होंने कार्य किया है, किस तरह से उन्होंने समाज को शिक्षित किया हुआ है। ठीक है, चलो लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले जो है वो नेता है, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनको जितने भी आप जो भी अवार्ड दे सकते हैं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसे नेता जिन्होंने समाज सुधार के लिए अथक प्रयास किए हुए, हाँ, एक जो न्यू कह सकते हैं रखी गई है भारत में समाज सुधारों की, सुधारकों की, तो वो समाज सुधारों की, तो वो राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज है। तो हम लोग यहाँ से करेंगे, ये पीटी के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो इसको आप लोग देख लें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये मैं स्पेक्ट्रम से करा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री है, समराइज इसका फॉर्म है, और जो लोग इच्छुक हैं कि हमें कोर्स लेना है, सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे, और यहाँ पे जैसे कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का यहाँ पे AMR10 ये हमारा कोड है, सब्सक्रिप्शन में वहां पे पूछता है कि इंटर्न का कोड, रेफरल कोड, तो आप ये हमारा कोड यूज कर लेंगे तो 10% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी। ओके चलो, 10% की छूट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मेरा कोड याद रखेंगे AMR10। तो हम लोग इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे प्रभावी कद्दावर और भारत में सामाजिक सुधार के जो जनक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनके बारे हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई। मानव विवेक वेद और उपनिषदों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाया गया था। कि प्रीलिम्स से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए क्या कौन से ऐसे पक्ष जिनको आधार बनाया गया था, तो यहाँ पे मानव विवेक वेद और उपनिषदों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाते हुए
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तथा इसमें और भी कुछ चीजें हैं, क्या क्या इसमें जोड़ा गया था और इससे क्या उद्देश्य जो है वो प्राप्त करने की बात कही गई है। एकेश्वरवाद की उपासना इसमें रखा गया है कि एक ही ईश्वर की उपासना करना है, मूर्ति पूजा का विरोध करना है, पुरोहितवाद का विरोध करना है। पुरोहितवाद का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे पुरोहितवाद का मतलब होता है कि जो कर्म कांड जो अनुष्ठान कराते थे जो पंडित लोग थे, ठीक है, ये ब्राह्मण लोग जो थे ये कह सकते हैं, जो अनुष्ठान कराते थे, जो क्या है कर्म कांड कराते थे, ऐसे कर्म कांडों और ऐसे अनुष्ठानों का विरोध किया गया, अर्थात पुरोहितवाद का विरोध यहाँ पे शामिल है। अवतारवाद का खंडन किया गया है, अवतारवाद का खंडन किया गया है। इन्होंने कहा था कि कोई भी एक बार अगर मर जाता है, अगर एक मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में उसका जो है दोबारा जन्म नहीं होता है, तो यहाँ पे अवतारवाद का खंडन किया है आदि जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आधार बनाए गए हुए हैं वो हमने समझे हुए हैं कि मानव विवेक वेद और उपनिषदों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर तथा एकेश्वरवाद की उपासना, पूजा का मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। इसे ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसको ही आगे चलकर जो कि ब्रह्म सभा थी उसको आगे चलकर ब्रह्म समाज का नाम दिया जाना नाम दिया गया है। तो ये सब आप समझ रहे हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में अधिनियम पारित कर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ये अथक प्रयास किसके थे? राजा राम मोहन राय जी के अथक प्रयासों द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में सती प्रथा को क्या है, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, उस पे रोक लगा दी गई, रोक लगा दी गई। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और इसके बाद आप देखेंगे द्वारिकानाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र, द्वारिकानाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र विधावागीश ने संस्था का संचालन किया। तो इनकी मृत्यु के बाद में किसने संभाला हुआ है? इनकी मृत्यु के बाद में द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विधावागीश ने इस संस्था का संचालन किया। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री बनाए गए और 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे किसकी एंट्री कब हो रही है, कौन किसका संचालन कर रहा है। तो 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद इसका संचालन द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा किया गया है, पंडित रामचंद्र विधावागीश ने इस संस्था का संचालन किया हुआ था, ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम मंत्री बनाए गए थे और 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। यहाँ आने वाले पहले वो जोरासंको कलकत्ता में इससे आने से पहले वो क्या कर रहे थे? जोरासंको कलकत्ता में तप्तरंगिणी सभा की स्थापना कर चुके थे। ठीक है, तो ये दो संस्थाओं से अब जुड़ गए हैं, पहली इनकी स्वयं की संस्था तत्वतरंगी सभा जो कि कलकत्ता जोरासंको में है और इसके बाद में ये 1843 में 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। जो वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा कहलाई, ठीक है, तत्वतरंगिणी सभा का गठन किया है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 1839 में 1839 के पहले तत्व तरंगिणी सभा जो है उनका गठन किया गया था, बाद में ये तत्व बोधरी सभा कहलाई। तत्व बोधरी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की मुख पत्र थी। ठीक है, मुख पत्र थी। ठीक है, तो ये मुख पत्र आप समझ रहे होंगे, मुख पत्र थी जो मतलब एक तरह से इसको बढ़ावा दे रही थी। तो तत्व बोधरी
पत्रिका जो है ब्रह्म समाज की मुखपत्र थी, और 1867 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज का जब विभाजन होता है तो दो गुट हो जाते हैं इसके। एक गुट में आप देखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट है जो आदि ब्रह्म समाज है, और दूसरा है केशव चंद्र सेन का गुट जिसको हम लोग भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर का जो गुट है वो आदि ब्रह्म समाज कहलाता है, और केशव चंद्र सेन का जो गुट है वो भारतीय ब्रह्म समाज नव विधान ज्ञा जो है नव विधान समाज कहलाया। 1878 में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन होता है। तो आपसे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्म समाज का विघटन या विभाजन कितनी बार हुआ है, तो दो बार इसका इसका दो बार विभाजन हुआ है। कब कब हुआ है, कब कब हुआ है? एक तो 1867 में इसका विभाजन होता है, तो यहाँ पे दो शाखाएं निकल के आती हैं। एक शाखा का नाम यहाँ पे है आदि ब्रह्म समाज जो कि टैगोर साहब के अंडर में है, देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरी एक है यहाँ पे वो क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज नव विधान ब्रह्म समाज, अर्थात ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ये गुट बना हुआ है। इसके बाद में फिर जो है आप देखेंगे लगभग 10 साल बाद फिर से इसमें विभाजन होता है, और अब 1868 का वो टाइम है, इस टाइम आनंद मोहन बोस, द्वारिकानाथ गांगुली जैसे अनुयायियों द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना इसमें की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्रह्म समाज, अब कितने समाज हो गए यहाँ पे, एक तो ब्रह्म सभा थी, फिर ब्रह्म समाज बना, फिर आदि ब्रह्म समाज बना, और उसी में भारतीय ब्रह्म समाज बना, और इसके बाद में एक साधारण ब्रह्म समाज भी बना। ठीक है, तो ये बहुत सारे यहाँ पे समाज बन रहे हैं, एक समाज थे। उन्होंने क्या किया 1800, अब हम बात फिर से कर लेते हैं थोड़ी सी राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी और मैं बात चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। उन्होंने 1809 में, 1809 में एक केसरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हुई थी। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, ध्यान देंगे आप लोग। 1819 में एक केसरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, और 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की हुई थी, तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीत रिवाजों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की हुई थी, निंदा की हुई थी। ठीक है, निंदा की हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1828 की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, इसके 14 साल पहले, 14 साल पहले कलकत्ता में ही आत्मीय सभा का भी गठन किया जाता है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे से ही आप देखेंगे जो भी यहाँ पे जो उद्देश्य अपनाए गए थे, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा की कठोरता का विरोध, या अर्थहीन रीत रिवाज, कर्म कांड या पुरोहितवाद का जो विरोध है वो सामने आपको दिखेगा, इसकी निंदा करते हैं। वो कहते हैं वो सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे, वो सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे। यहाँ पे आपसे यूपीएससी इंडायरेक्ट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि वो सभी धर्मों में विश्वास रखते थे, सभी धर्मों में विश्वास रखते थे, ये बात सही है क्योंकि लिख रहा है कि वो सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया हुआ है जो हिंदू धर्म के योग समझते थे। तो यहाँ पे ये बातें आपको सामने निकल के आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म के लायक जो बातें थी उन्हीं को पढ़ते थे, उन्हीं को अपनाते थे। अगर वो हिंदू धर्म का कोई विरोध किया जा रहा है वहां पे तो उसको अपनाते नहीं थे। ठीक है, तो ये सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे, अर्थात सभी धर्मों में मानते थे। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखी हुई है, तो ध्यान देंगे आप लोग पुस्तकों का नाम ध्यान रखेंगे। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी हुई थी। उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला हुआ था जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते, रूसो और वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। तो 1817 में कलकत्ता में उन्होंने क्या किया हुआ है, एक कॉलेज खोला, एक स्कूल खोला हुआ है। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे
फ्रांस के जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं दांते, रूसो और वाल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जा रही है। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की हुई थी, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसा कहना कभी भी आपके अगर यूपीएससी पूछे तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि उन्होंने एक कॉलेज खोला हुआ था और उसमें पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाज विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो ये क्या है, आप गलत नहीं करेंगे, ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा जो दी जाती थी, एक ऐसा कॉलेज भी खोला हुआ था जिसका नाम है वेदांत कॉलेज। बंगाली भाषा की को समृद्ध बनाने हेतु उन्होंने बंगला व्याकरण की रचना की हुई थी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, इस लाइन को, कि बंगला व्याकरण की रचना किसने की हुई थी, तो राजा राम मोहन राय वो थे जिन्होंने बंगला व्याकरण की रचना की हुई, बंगला ग्रामर की रचना की हुई है। और तथा बंगाली पद्य का भी निर्माण किया हुआ था। ठीक है, बंगाली पद्य का निर्माण और बंगला व्याकरण का निर्माण वो किसके द्वारा किया गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है। ओके, ब्रह्म समाज का योगदान देख लो, पीटी में पूछा जाएगा आप लोगों से, प्रिलिम्स में पूछा जाएगा। बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि जितने भी आप समाज आपको मिलेंगे जो समाज सुधार का कार्य कर रहे होंगे, सारे के सारे वो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही योगदान दे रहे होंगे लगभग लगभग, तो सारे क्या है, कॉमन मिलेंगे आपको। कंफ्यूज नहीं करना, जहाँ पे कॉमन नहीं मिलेंगे मैं आपको डिक्टेट करता जाऊंगा, डिक्टेट करता जाऊंगा, इससे चीजें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के योगदान, बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध, नैतिकता पर बल, कर्म फल में विश्वास, इनका फल में विश्वास था, सर्वधर्म संभाव, हमने बताया है कि सभी धर्मों की मौलिकता में ये विश्वास करते थे, लेकिन ऐसे धर्म को नकार देते थे जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हो। उन्हें सभी धर्मों की मौलिकता में विश्वास किया हुआ है, अर्थात सभी धर्मों को मानते थे वो। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, निर्गुण ब्रह्म मतलब निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कोई फोटो, कोई पिक्चर, आप कह सकते हैं कोई मूर्ति, इनका जो है पूजा अर्चना करने का, उन्होंने अनुष्ठान करने का हमेशा से विरोध किया हुआ है। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास था इनका। ये कहते थे कोई भी धर्म की पुस्तक जो है वो मानवता से ऊपर नहीं हो सकती है, कोई भी पुरुष जो है वो समाज में मानवता से ऊपर नहीं हो सकता है, कोई भी वस्तु जो है वो मानवता से ऊपर नहीं हो सकती है। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास जाहिर किया हुआ है, अविश्वास जाहिर किया हुआ है, अविश्वास जाहिर किया हुआ है। छुआछूत, अंध विश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया हुआ है, बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को इन्होंने समर्थन दिया हुआ है, अपना अपना समर्थन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे योगदान उनके रहेंगे, आप इसको बारी बारी से देख लेंगे, एक दो बार और पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन लगातार यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं कि क्या इनका योगदान रहा था, या फिर क्या है, कॉपी पेस्ट करके पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ जब मैं टेस्ट सीरीज करा रहा था तो लगभग 28 से 30 क्वेश्चन जो है वो कट पेस्ट किए गए थे, लगभग 18 क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए थे जब मैं टेस्ट सीरीज करा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। टारगेट हमारा रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा इस बार कि आप लोगों के पास में, मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो आपके पास में सीधे सीधे आए। टारगेट इस बार हमारा ये रहेगा कि लगभग 50 क्वेश्चन आप जो है कर सकें, लगभग 50 क्वेश्चन कर सकें, टारगेट हमारा ये रहेगा 2021 के लिए। सारी चीजें मैं कराऊंगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, सारी चीजें मैं कराऊंगा। फर्स्ट पेपर में सारी चीजें मैं करा रहा हूँ, हिस्ट्री तो करा ही रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी भी कराऊंगा,
और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सारी मैं कराऊंगा, उसको समराइज कराने के बाद में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी उसकी मैं कराऊंगा। तो आप सारी चीजें हमसे कर सकते हैं, सारी जो जितना भी कोर्स है आप हमसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना समाज के बारे में चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लगातार। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, AMR10 इस कोड को याद रखेंगे, और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कोड यूज करेंगे ए, तो आपको 10% की, यहाँ पे 10% की, 10% की छूट के लिए आप हमारा कोड यूज करेंगे AMR10। छोटे से छोटे कोर्स या बड़े से बड़े कोर्स को लेने के लिए आप इस कोड को याद रखेंगे। ओके, हम लोग बात करेंगे प्रार्थना समाज कैसे इसका गठन हुआ है, इससे संबंध कौन रखता था, किस तरह से इसने रिफॉर्म किया है समाज में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे द्वारा बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे तीन लोग इससे संबंधित हैं, ध्यान लेंगे आप लोग। क्या ध्यान देंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना से कौन वो तीन व्यक्ति हैं जो संबंध रखते हैं। तो सबसे पहला केशव चंद्र सेन से प्रेरणा ली जाती है, और प्रेरणा लेने के बाद में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे द्वारा बंबई में इस प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। किस उद्देश्य से ये स्थापना की गई है उसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के अंदर दलित जाति मंडल, समाज सेवा और दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की गई, जो कि विभिन्न कल्याणकारी कार्यों से संलग्न रहे थे। तो यहाँ पे क्या, किस वजह से इसका गठन किया गया है? इसका गठन यहाँ पे कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसके अंदर कई सारी संस्थाओं का गठन किया गया है, संघ बनाए गए थे, सभाओं को बनाया गया हुआ था, इनका गठन किया गया था। तो देखो एक बार दोबारा से देखते हैं यहाँ पे कि प्रार्थना समाज के अंदर दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की गई थी, जो कि कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रही थी। तो इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 1884 में रानाडे द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ही कालांतर में पूना फार्गुसन कॉलेज का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक सोसाइटी है जिसको पूना फार्गुसन कॉलेज का नाम दिया गया है। वो कौन सी सोसाइटी है, किसने स्थापित की हुई है? तो रानाडे द्वारा बनाई गई ये सोसाइटी 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसका नाम था, बाद में ये पूना फार्गुसन कॉलेज बन गया। ब्रह्म समाज के समान ही यह भी एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो भी प्रार्थ जो समाज जो प्रार्थना समाज का ये गठन किया गया है वो किससे प्रभावित था, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको उत्तर मिल रहा होगा, यहाँ से आपको उत्तर मिल रहा होगा कि प्रार्थना समाज जो है वो ब्रह्म समाज के जितने भी योगदान थे या भूमिका थी, जिस तरह से ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे, बिल्कुल उसी तरह से प्रार्थना समाज के भी उद्देश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो किसके तर्ज पे बनाया गया है? प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के तर्ज पर बनाया गया समाज था। ठीक है, इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रार्थना समाज, यहाँ पे थोड़ी सी मैं हेडिंग चेंज करता हूँ, दिखेगा सही से आप लोगों को। प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे, जिस प्रकार से आप देखेंगे कॉमन चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। वो कॉमन चीजें क्या हैं? वो कॉमन चीजें क्या हैं जो हमने ब्रह्म समाज में देखा है, जो हमने ब्रह्म समाज में देखा है वही आपको प्रार्थना समाज में भी देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ब्रह्म समाज के तर्ज पे ही प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। तो एक बार देख लो यहाँ पे, क्योंकि ये जो सभा थी प्रार्थना समाज, इसका बंबई में गठन किया गया है, और ब्रह्म समाज का जो गठन है वो
कहाँ पे, कलकत्ता में इसका गठन किया गया है। तो यहाँ पे ये अवधारणाएं दोनों की एक ही रहेंगी, बस क्या है समय और जगह चेंज हुई है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्य किस प्रकार हैं, क्या क्या हैं? जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करवाना, ठीक है, या करना, ये सारे इनके द्वारा कार्य किए गए थे जो इनके मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे, प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, तो आप क्या करेंगे, इनके नाम याद रखेंगे। ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रार्थना समाज से कौन कौन से व्यक्तित्व जुड़े हुए थे। तो हमने शुरू में देखा हुआ था कि रानाडे जी जुड़े हुए थे, आत्माराम पांडुरंग इन लोगों ने स्थापना की हुई थी, मुख्य स्थापना करता है इसके। और इसके बाद में भी कौन कौन जुड़े हुए हैं, आरजी भंडारकर और चंदावर जी, यहाँ आप देखेंगे जो कि प्रमुख रूप से इस समाज से जुड़े हुए हैं। कौन सा समाज है, वो प्रार्थना समाज है, ओके, प्रार्थना समाज है। तो हम लोगों ने चर्चा की हुई है, और एक और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन का क्या योगदान था, किस तरह से ये कार्य कर रहा था, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके लक्ष्य क्या थे, ये सारी चीजें हम लोग किस लक्ष्य तक ये पहुंचा हुआ था, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, इसके जनक कौन थे और कब इसकी स्थापना हुई है। इस आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो, इनके पिता पुर्तगाली एवं माता भारतीय थी। तो ये क्या थे, एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन थे। इनकी माता जो थी वो भारतीय थी, और जो इनके पिता थे वो पुर्तगाली थे, और इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन चलाया हुआ है। किस तरह से उसकी रूपरेखा बनाई हुई थी, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के ये प्राध्यापक रहे थे, पढ़ाया था उन्होंने, टीचिंग की हुई थी, और उन्होंने वाद विवाद एवं लेखन के माध्यम से प्राचीन जर्जर परंपराओं का विरोध किया हुआ था। लिखते थे ये, लिखा करते थे पेपरों में, लिखा करते थे, अपना लेखन किया करते थे, और उस लेखन में देखते थे कि जो प्राचीन जर्जर परंपराएं हैं वो किस तरह से समाज को खोखला करती जा रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये उनके बारे में लिखा, कहा कि ये सारी परंपराएं जो हैं वो समाज के लिए घातक हैं, ऐसी परंपराओं को उखाड़ फेंकना चाहिए, और ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि बन गए, आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी कवि बन गए। उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन जैसे संगठनों की भी स्थापना की हुई है। इनके नाम याद रखेंगे क्योंकि नाम पूछे जा सकते हैं, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी। मेजनी के यंग इटली संगठन के समान यंग बंगाल आंदोलन नामक संगठन की स्थापना कर यंग बंगाल आंदोलन चलाया उन्होंने, ठीक है। तो ये कहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली हुई है, मेजनी के यंग इटली संगठन से प्रेरणा लेकर बंगाल, यंग बंगाल आंदोलन का ये रूपरेखा रखते हैं और यंग बंगाल आंदोलन को चलाते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मेजनी के यंग इटली के आधार पर ही यंग बंगाल आंदोलन की रूपरेखा रखी गई थी और इसकी स्थापना की गई थी, और इसको क्या है आगे बढ़ाया गया हुआ था, ठीक है। कुछ चीजें और बात कर लेता हूं यहीं पे, प्रेस की स्वतंत्रता, रैयतों की सुरक्षा, प्रशासन भारतीयकरण, प्रशासन का भारतीयकरण करना, नारी मुक्ति जैसे विषयों को अपनी चर्चा का विषय बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसकी चर्चा का विषय क्या रहे थे, ध्यान देंगे यहाँ पे, कि प्रेस को स्वतंत्र कर दिया जाए, रैयतों को सुरक्षा प्रदान की जाए, प्रशासन का भारतीयकरण किया जाएगा, अर्थात प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय हो, नारी मुक्ति, नारियों को साथ जो दुराचार हो रहा था उसको जो है उससे उनको मुक्त किया जाए, ऐसे विषयों को अपनी चर्चा का उन्होंने विषय बनाया हुआ था, ठीक है। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की हुई थी, इसका गठन किया हुआ था। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पे, बात यह है कि जितने भी यहाँ पे उन्होंने
एसोसिएशन या संगठन बनाए हुए या सभाएं बनाई हुई हैं, सबके आपको नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं पीछे जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या किया है उन्होंने। सबसे पहला उन्होंने क्या किया है, अकेडमिक एसोसिएशन, अकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ हिंदू एसोसिएशन, यंग बंगाल आंदोलन, तीन संस्थाएं आपको इधर देखने को मिलेंगी। और इसके बाद में आप देखेंगे एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, चौथी संस्था है उनकी, और पांचवी संस्था बंग हित सभा है, और छठवीं संस्था डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी डेरोजियो द्वारा भी की गई है। तो ये सारी संस्थाओं के नाम आप याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इसके पश्चात वो ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगते हैं। तो कभी भी आपसे सुमेलित करने के लिए अगर पूछे, सुमेलित करने के लिए अगर पूछे, तो आप ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया है, तो आप नाम याद रखेंगे। क्या नाम है, पूरा नाम एक बार फिर से देख लो, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा ही एक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया जाता है, और वो क्या है, ईस्ट इंडिया नामक ये है। डेरोजियो के समर्थकों ने पुरानी और रासोन्मुख प्रथाओं तथा सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की तथा नारी शिक्षा की जोरदार वकालत की हुई है। इन्होंने कहा था कि जो पुरानी जो परंपराएं हैं, जो पुराने विचार हैं, जो कैसे हैं, ह्रास उन्मुख प्रथाएं हैं, जिससे कि भारतीय समाज का ह्रास हो रहा है, उनको कमतर आंका जा रहा है, जो मूल हैं भारतीय समाज के वो गिरते जा रहे हैं, तथा सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की हुई तथा नारी शिक्षा की ओर वकालत की हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था। यहाँ बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जो जनक है वो यंग बंगाल आंदोलन ही है। 1831 में हैजे के कारण 24 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो डेरोजियो द्वारा बनाया गया यंग बंगाल आंदोलन किस तरह से कारगर साबित हुआ है, और कई सारे बड़े नेता जो कांग्रेस से संबंध रखते थे उन्होंने उन्होंने इनको जो है काफी इनकी सराहना की हुई है। बात कर लेता हूँ ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। प्रसिद्ध विद्वान एवं समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना आप लोग कि ये सिर्फ जो है भारतीय समाज सुधारक जो है वो एक तरह से भारतीय भारतीय थे, या इनका कोई समन्वय नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे गलत हैं। क्या यहाँ पे है, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय मिलता है, मतलब ये क्या करते थे, इनके भारतीय विचार भी प्रभावी थे प्लस जो है वो पाश्चात्य विचारों से भी ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है पाश्चात्य और भारतीय विचारों का, इनके मन में, इनके व्यक्तित्व में। 1850 में वो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी और गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित कर लिया प्रोत्साहित किया कि इसमें क्या कहा गया है कि सिर्फ ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं हो सकता है संस्कृत पे, गैर ब्राह्मण जातियां भी यहाँ पे संस्कृत अध्ययन के लिए आ सकती हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रोत्साहन दिया हुआ था, उनको क्या है, मोटिवेट किया हुआ था, उनको प्रोत्साहन दिया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त कर दिया। संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे कॉलेजों में जो कॉलेज थे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हो सके। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो परंपरा अभी तक चली आ रही थी कि संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी, बाकी किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसी परंपराओं को उन्होंने खत्म कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार हुआ, और उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगाल भाषा में
वर्णमाला भी लिखी हुई थी। ठीक है, संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला भी लिखी थी। विद्यासागर ने विधवा के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया और पुनर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया हुआ था। कड़ा विरोध किया हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने कार्य किया हुआ है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी समाज सुधारक व्यक्तित्व तो आपको मिल रहे हैं, उनका मोटिव क्या है? बहुपत्नी विवाह का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सब आप देखेंगे यहाँ पे। पुनर्विवाह जो है इसको क्या है? बढ़ावा देना, इससे सती प्रथा पर रोक लगाई जा सके। यहाँ पे आप एक और स्टेप देखेंगे कि 1849 में स्थापित बैथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हुए थे। तो जितने भी आपको आंदोलन मिलेंगे, सब में कॉमन बातें रहेंगी, तो कंफ्यूज आप लोग नहीं करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जहां पे कंफ्यूजन होगा, आप लोग तुरंत क्या है, हमें क्वेश्चन करेंगे, हमें क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ओके, और कुछ चीजें हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। तो कल भी हमारी एक क्लास रहेगी, इसपे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। बहुत सारे पीटी के क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग कल बात करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोड याद रखेंगे, हमारा कोड याद रखेंगे। वो कोड क्या है मेरा, यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ, अमित, अमित ऑन अकेडमी। ठीक है, अन अकेडमी मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। जो लोग वीडियो को पसंद करें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा आप करेंगे, हमें पढ़ाने की शक्ति और ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा आएगी और हम अच्छी तरह से आप सब लोगों के सामने चीज़ें प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब भी सब्सक्राइब करें तो मेरा कोड याद रखेंगे, AMR10। आप पीटी के लिए क्या है, प्रिलिम्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पिछली बार हमारी टेस्ट सीरीज कराई, हमने जो बच्चों को पढ़ाया हुआ था, तो उसमें 28 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कॉपी पेस्ट थे वहाँ पे, कट पेस्ट किए गए थे, तो आप लोग यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। जो लोग अभी 2021 में तैयारी कर रहे हैं, जो पीटी देना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे, मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, और 10% की उसमें आपको छूट मिल जाएगी, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग इसको करेंगे। ओके, चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलता हूँ 6 बजे। ओके, चलो।